शुगर का इलाज कल नहीं आज। शुगर के मरीजों के लिए मीठी मीठी सी खुशखबरी। शुगर के वो मरीज जो जगह जगह से इलाज करवाकर तंग आ चुके हैं, वो एक दफा हमसे राब्ता करें और अपने लबलबे का मुकम्मल इलाज करवाएं। शुगर केयर कोर्स, अमराज़े मेता, जोड़ों का दर्द, जर्द रंगत, ज़ियाबतीस, बार बार पेशाब का आना, जल्दी अमराज़ का मुस्तकिल खात्मा करता है। लबलबे का इलाज खालस देसी जड़ी बूटियों से ही मुमकिन है। इंशाल्लाह इस दवा से आप मायूस नहीं होंगे। कीमत सिर्फ 1600 रुपए। घर बैठे मेडिसिन मंगवाने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में चमकी बुखार और लू का खर देखने को मिलने लगा है। वहीं आज भागलपुर में लू और चमकी बुखार से दो बच्चों की मौत हो गई। घटना की बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित तीन बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसमें दो बच्चे की मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत बताई जा रही है। मरने वालों में रंगारंग सदहरपुर निवासी अखिलेश शर्मा की 2 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी और सबोर इंग्लिश फर्क निवासी 12 वर्षीय प्रीति कुमारी शामिल है। वहीं बीरपुर बरगावा निवासी निशा देवी का 3 वर्षीय रमन कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा था। चिकित्सकों के मुताबिक उसकी स्थिति गंभीर बताई गई थी। शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर खलीक अहमद ने बताया कि उक्त दोनों बच्चे की मौत इन्फेक्शनलाइटिस बीमारी से हुई है, जबकि इस बीमारी से पीड़ित एक बच्चे का इलाज चल रहा था। इलाजरत बच्चों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल ने बताया कि फेलाइटिस को लेकर अस्पताल प्रबंधक पूरी तरह से सतर्क है। आईसीयू के 8 बेड और नीकू के 12 बेड को इसके लिए रिजर्व रखा गया था। शिशु रोग के संबंधित सभी चिकित्सा और कार्यालयों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अस्पताल में दवाई का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उधर चमकी रोग से 2 बच्चों की मौत हो जाने से अस्पताल परिसर में एक अजब से सन्नाटा पसरा हुआ है। मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की इसी बीमारी से मौत हो जाने से यहाँ लोग काफी खौफ ज्यादा है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण बच्चे चमकी बुखार से ग्रस्त हुए हैं। अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। मेरा बच्चा को हाथ में ले गया, छोड़ दिया। कितने से बुखार था बच्चा को? 6 दिन से बुखार था। कुछ नहीं बोला, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, कुछ बोलते थे ना झाड़िए के हटा देता तो सही। कहाँ घर हुआ आपका? जादूपुर। बच्चा का नाम? किसका नाम? बच्चा का नाम शिवानी कुमार। उमर क्या? प्राइम 80 न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।